माय स्वीट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति वारियर। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताऊंगी फुल स्टेप हेयर कटिंग कैसे करनी चाहिए। बालों में जो बहुत ज़्यादा स्टेप दिखता है वो वाली हेयर कटिंग, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा सीखने के लिए। फाइनल लुक देखने के लिए भी पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और अच्छे से सीखने के लिए मैं बताती हूँ बहुत ही आसान तरीके। तो आप वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। बटन क्लिक करते ही बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर देना, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों को मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये ब्राइडल दिखा देती हूँ, जो कि मैंने अभी 2 दिन पहले इनका मेकअप किया था। इनका मेकअप सब लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सीखना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए हेयर कट स्टार्ट करते हैं। ये हैं इतने हेयर इनके कट हुए थे, तो बहुत सारे मेरे सब व्यूअर्स बोलते हैं कि मैम कटे हुए हेयर्स भी दिखाओ, इसलिए मैंने ये वीडियो मतलब थोड़ा सा क्लिप डाल देती हूँ। तो ये है इनके हेयर जो कि कट करने हैं। तो अच्छा था हेयर, ना ज़्यादा वॉल्यूम था ना ज़्यादा कम वॉल्यूम था, मीडियम वॉल्यूम था, मीडियम लेंथ था, और अच्छी क्वालिटी थी हेयर की। तो चलिए कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको हेयर को गीला करना है और अच्छे से सुलझाना है। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, बालों को गीला करना ज़रूरी होता है। तो जरूरी इसलिए ज़रूरी होता है कि कटिंग गीले बालों में कटिंग करने से अच्छे से कटिंग हो जाती है, और जब बाल के सूखते हैं तो परफेक्ट दिखता है फिनिशिंग। ओके, इसलिए आपको बालों को गीला करके ही स्टार्ट करना चाहिए। पहले इन्होंने बोला कि मुझे हेयर कट मतलब हेयर यू कर दीजिए, फिर बोला कि कौन डीप यू कर दीजिए, फिर इन्होंने बोला स्टेप कर दीजिए। इनको कुछ समझ में नहीं आता कि कैसी हेयर कटिंग चाहिए। फिर इन्होंने बोला कि क्या फुल स्टेप अच्छा लगेगा, तो हाँ बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने बोला कि हाँ जी ठीक लगेगा, तो चलो फुल स्टेप हेयर कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले अच्छे से कटिंग सीट बांध देंगे इनको, और कटिंग सीट को अच्छे से सेट कर देंगे ताकि हेयर इनके गर्दन वगैरह पर ना गिरे और चुभे ना। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। बैंग्स भी कट करूँगी मैं इनके, बट बैंग्स की वीडियो नहीं ली है मैंने। बैंग्स की वीडियो बहुत सारी डाल दी है, तो आप प्लीज़ चेक कर लेना। तो इस तरीके से कॉम करेंगे और ईयर टू ईयर पार्टिंग करेंगे क्राउन एरिया से इनके हेयर्स की, इस तरीके से। ओके, तो ये पार्टिंग ले लेंगे और ऊपर वाले बालों को क्लच करके सेट कर देंगे, ताकि कॉम हो सॉरी कटिंग करने में प्रॉब्लम ना आए। और हल्का डीप यू तो नहीं, लाइट यू में पहले कट कर लेंगे, बाद में फिनिशिंग देते टाइम आप देख लीजिएगा कैसे कट करती हूँ। तो ये कॉम कर दिया है, और बालों को गीले भी अच्छे से कर लिए। थोड़ा बहुत सूखा लग रहा है तो वहाँ पे हम गीला कर लेंगे दोबारा से बालों को। ओके, अब चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं बार बार कॉम करती हूँ, क्योंकि अच्छे से सुलझना ज़रूरी होता है कटिंग में, इसीलिए। ओके, तो ये देखिए लाइट सा यू कट देंगे पहले हम लोग, और जितने हेयर इनके मुड़े हुए हैं, जितना भी आपको मतलब लेंथ चाहिए बालों की, उससे थोड़ा शॉर्ट कर थोड़ा लॉन्ग रखना चाहिए, क्योंकि बाद में कट फिनिशिंग देते टाइम वो उतना लेंथ पे आ जाता है जितना कि आपको चाहिए। ओके, अगर आपने मतलब आपको इतना लेंथ चाहिए, तो जितना भी लेंथ चाहिए उससे 1 इंच लॉन्ग कट कीजिए। उसके बाद से जब आप फिनिशिंग दोगे तो 1 इंच वैसे ही निकल जाता है, तो फिर आपकी बराबर लेंथ आ जाएगी। तो ये देखिए मैंने पहले गाइडलाइन दे दी, तो हमारा नीचे का स्टेप तो हमको मिल ही गया। अभी हम लोग ऊपर से जहाँ से मतलब हम लोग पफ बनाते हैं उतने हेयर लेंगे इस तरीके से गोलाई में, और इसको स्ट्रेट कॉम करके ऊपर की तरफ कॉम करेंगे। ओके, तो इस तरीके से जहाँ से हम लोग पफ बनाते हैं वहाँ से हेयर को लेना है, और सीधा 90 डिग्री पर इस तरीके से कॉम करके ले जाएंगे, और जहाँ से जहाँ तक आपको स्टेप रखनी है वहाँ से कट कर देंगे। ओके, तो ये देखिए यहाँ तक हमको स्टेप रखनी है, तो यहाँ से हम लोग इतने हेयर कट कर देंगे। आपको लगेगा कि आपका बहुत लेंथ निकल रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो स्टेप चाहिए उसके लिए लेंथ निकल जाता है, आपकी लंबाई उतनी ही रहेगी जितना हमने पहले कट कर दिया है। बहुत ही प्यारा सा कटिंग आएगा। उसके बाद आपको इधर से इस तरीके से थोड़े से हेयर को उठाने हैं, और जो आपका लेंथ था उसको निकाल देना है, ताकि उसमें से कटिंग होगा तो आपके लेंथ में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जैसे मैंने सेक्शन लिया है हेयर का, वैसे ही आपको भी लेना है, और ऊपर की तरफ कॉम करके लेके जाना है। ओके, पूरा स्ट्रेट ऊपर की तरफ कॉम करने से ही अच्छा सा लेयर और कट स्टेप आता है। तो ये देखिए इतने हेयर एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, तो इसको कट कर देंगे हम लोग। बहुत ही प्यारा स्टेप आएगा, आप पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए अच्छे से सीखने के लिए। तो ये देखिए कितना अच्छा सा स्टेप आया है नीचे की तरफ, आई होप दिख रहा होगा आप लोग को। अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कट करना है। इस तरीके से अगर आप कट करेंगे तो पूरे बालों में अच्छे से स्टेप आ जाएगी। आप चाहो तो इसी कटिंग को शॉर्ट में भी ले सकते हो, शॉर्ट में भी बहुत प्यारा लगेगा।
तो इस तरीके से मैंने लेंथ निकाल दी। फिर जो हेयर मैंने हाथों में लिया उसको ऊपर की तरफ कॉम करके लेके जाएंगे 90 डिग्री पे, और फिर से कट करेंगे स्ट्रेट एकदम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और फिंगर में इस तरीके से हेयर को पकड़ेंगे। अभी मैंने देखिए इस तरीके से फिंगर में पकड़ना है हेयर को और कट कर देना। ओके, और फिर इसको छोड़ेंगे आप तो बहुत ही प्यारा सा स्टेप आएगा। ओके, अभी मैं और भी बहुत कटिंग करने वाली हूँ, तो प्लीज़ देखते रहिए वीडियो एंड तक फुल स्टेप कटिंग के लिए। ओके, गीले वालों में अच्छे से स्टेप समझ में आता है, इसलिए गीले कर लेने चाहिए अगर सूखा हुआ लगे आपको हेयर को। ये देखिए, तो अभी फिर से हम लोग बीच से हेयर को उठाएंगे, अच्छे से कॉम कर लेते हैं एक बार। अच्छे से कॉम करने के बाद से फिर से कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हाफ हेयर को क्राउन एरिया पर से हेयर को उठाएंगे और ऊपर की तरफ इसको लेके जाएंगे, और फिर कट करना है, और भी प्यारा स्टेप आएगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने पार्टिंग कर ली है हेयर की, और फिर अच्छे से कॉम करते हुए सुलझाते हुए एकदम ऊपर की तरफ स्ट्रेट कॉम करते हुए लेके जाएंगे, और फिंगर में उसी तरीके से पकड़ना है फिर हेयर को। ओके, और फिर जो आपको एक्स्ट्रा लग रहा है उसको कट कर दीजिए, और ये बहुत ही प्यारा स्टेप आएगा, और इसको फिनिशिंग देंगे थोड़ी देर में। तो इसको अच्छे से कॉम कर लिया मैंने, और यहाँ से थोड़े से हेयर दोबारा उठाएंगे ताकि नीचे हमारा स्टेप नहीं दिख रहा था, फिर वहाँ पे स्टेप देने के लिए यहाँ से थोड़े से हेयर को उठाएंगे और ऊपर की तरफ कॉम करके लेके जाएंगे। ओके, और जो एक्स्ट्रा हेयर लग रहे हैं उसको कट कर दीजिए ताकि हमारा स्टेप वहाँ तक आ जाए, जितना हमारा लेंथ है उससे 1 इंच ऊपर से स्टेप स्टार्ट हो जाने चाहिए। ओके, तो ये देखिए कितना प्यारा स्टेप आया है, आई होप दिख रहा होगा आप लोग को। उसके बाद हम लोग इसको फिनिशिंग देंगे, फिनिशिंग के लिए दोबारा से बालों को अच्छे से कॉम करेंगे, और जो नीचे से पतला दिख रहा है उसको कट कर देंगे, मिडिल पार्टिंग ले लेंगे और वहाँ से कॉम करके कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा, मैंने बोला था ना कि 1 इंच आपका फिनिशिंग देने में निकल जाता है, तो आप देख सकते हो 1 इंच आपका फिनिशिंग देने में निकलेगा यहाँ पे, और इसको DPU में इस तरीके से कट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने फिनिशिंग दे दी है बालों को, और ये देखिए कितना प्यारा सा स्टेप आया है ना, और मैं इनका फाइनल लुक भी दिखा दूंगी आपको। ऐसे अगर ये क्लच करेंगे तो भी अच्छा लगेगा, ओपन रखेंगे तो भी अच्छा लगेगा, और पूरे बालों को बीच से पार्टिंग करके आगे की तरफ रखेंगे तो और भी प्यारा लगेगा। ओके, तो आपको जैसे चाहिए वैसे आप फुल स्टेप में हेयर को रख सकते हो अपने, इस तरीके से क्लच करके अगर साड़ी पहनती हैं सूट पहनती है तो भी बहुत प्यारा लगेगा, बहुत ही प्यारा स्टेप सा आ गया है इनके बालों में। आप चाहो तो शॉर्ट स्टेप भी दे सकते हो, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, आई होप दिख रहा होगा आप लोग को। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और भी लोगों को, अगर आपको फ्री ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स सीखना तो प्लीज़ रात को 8:30 बजे मुझे ज्वाइन कीजिएगा, आज मैं आने वाली हूँ लाइव। ओके, तो ये देखिए कितना प्यारा सा स्टेप आया है, ये फ्लोर पे गिरे हुए हेयर्स, तो इनका फाइनल लुक मैं अभी दिखा देती हूँ आप लोग को। ये था इनका फाइनल लुक। ओके, कैसा लगा गाइस जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और भी मैंने बॉब कट की और लॉन्ग टू शॉर्ट हेयर कट की, लॉन्ग हेयर कट की वीडियो डाली है जस्ट अभी 1 हफ्ते के अंदर, इतनी सारी वीडियो डाली, तो प्लीज़ चेक कर लेना उसको भी, और वीडियो को शेयर। ये देखिए कितना प्यारा स्टेप आया है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, कुछ भी ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, वीडियो को शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर गाइस।